नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीषा विलेज फूड चैनल में। आज का खाना बहुत ही फेमस है। हम आज कुछ पुराने तरीके से खाना बना रहे हैं जो कि गांव में और शहर में हर जगह प्रचलित है। इसके लिए हम अहरा जला लिए हैं और हांडी लिए हैं। अहरे पर हांडी को रखते हैं और इसमें पानी डालेंगे। यह हमारे यूपी बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध खाना है। यह बहुत ही पुराने ज़माने से लेकर आज तक चलती आ रही है। हांडी को थोड़ा सा दबाएंगे और पानी को गर्म होने के लिए एक प्लेट से ढक देते हैं। यहाँ पर हम चावल और दाल को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिए हैं। एक हांडी में दाल बनाएंगे और दूसरी हांडी में चावल बनाएंगे। यहाँ पर हमारे ससुर जी भी हैं जो कि हमारी सहायता करवा रहे हैं। प्लेट को हटाकर देखते हैं, अदहन आ गए हैं इसमें। इसमें हम धुले हुए दाल को डाल देते हैं। अगर इस तरह से आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको पानी का छींटा मारकर थोड़ा सा आंच कम करते हैं। ध्यान रहे कि मटकी पर पानी न पड़े, नहीं तो मटकी टूटने का डर रहता है। इधर हम चावल भी डाल देते हैं इसमें पकने के लिए। दाल में कुछ उबाल आए हुए हैं, इसको हम हटा देते हैं। इसमें एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं। अगर आपके यहाँ अमहर खाते हैं तो अमहर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अमहर नहीं खाते हैं तो हम अमहर नहीं डाले हुए हैं, हल्दी डाले हैं। इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं। इधर हम बाटी चोखा बनाने के लिए लहसुन, अदरक, हरे मिर्च और प्याज को काट कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम बैंगन और टमाटर लिए हैं। बैंगन में थोड़ा सा छिद्र कर देते हैं और इधर हम दाल को देख लेते हैं एक बार। दाल में देसी घी डालते हैं। देसी घी डालने से दाल का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसको चलाकर ढक देते हैं। इधर देखिए हमारे चावल भी अच्छे से पक रहे हैं। इसको एक बार चला देते हैं और आंच से हटाकर थोड़ी आंच पर रख देते हैं। जो बचे हुए आंच हैं इसमें हम आलू और बैंगन को भूनेंगे। इधर देखिए हमारे चावल भी अच्छे से हो गए हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत ही अच्छा बनता है और इसका टेस्ट जो है दुगना बढ़ जाता है। इधर हमारे दाल भी अच्छे से पक रहे हैं। इधर हम चोखा बनाने के लिए आलू और बैंगन टमाटर को भून रहे हैं। पर हम अदरक और हरे मिर्च को काट लेते हैं। ये देखिए बैंगन को दूसरे साइड भी पलट देते हैं। दाल को हटाकर देखते हैं। ये देखिए दाल हमारे लगभग पक ही चुके हैं। इसमें हम हरे मिर्च को काट कर डाल देते हैं। प्याज को बारीक काट लेते हैं। और यहाँ पर आटे को गूंथ कर तैयार कर लेते हैं।
इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक भी डालेंगे हल्का सा और देसी घी डालकर अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर हम मकुनी बनाने के लिए प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च लिए हैं। यहाँ पर अजवाइन और मंगरैल लिए हैं। इन सभी को डाल देते हैं। इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डालते हैं। और इसके बाद हम इसे हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर हम मखनी बनाने के लिए सत्तू लिए हैं। आप इस सत्तू को घर पर भी बना सकते हैं। भुना हुआ चना को अच्छे से पीस लें। आपका एकदम स्पेशल सत्तू बनके तैयार हो जाएगा। आटे को हमने गूंथ लिए हैं अच्छे से। इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल को अच्छे से मिलाएंगे। इसमें देसी घी भी डालकर मिलाएंगे। इधर हम देख लेते हैं आग को हटाकर। आलू हमारे अच्छे से पक गए हैं। इसमें मकुनी के मसाले में नींबू को निचोड़ देते हैं। और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम लोग मकुनी को मिलकर बनाएंगे। इधर हमारी सासू माँ भी हैं। यह खाना अकेले नहीं बन पाता है, दो चार लोग मिलकर बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर बट्टी बना रहे हैं और हमारे ससुर जी बट्टी को आग पर सिझा रहे हैं। ये देखिए बट्टी हमारे कितने अच्छे से बने हुए हैं। इधर चोखा बनाने के लिए हम आलू, टमाटर और बैंगन को अच्छे से धोकर इसका छिलका उतारेंगे। इस तरह से हमने सभी का छिलका उतार कर रख लिए हैं। यहाँ पर हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च लिए हैं। सभी को डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सरसों का तेल डालेंगे। और इसे अच्छे से हाथों से मैश करेंगे। ये देखिए हमने चोखा को बनाकर तैयार कर लिए हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें। सभी खाना बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर सभी खाने को थोड़ा थोड़ा पत्तल पर निकाल कर इसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर हमने सभी बट्टी को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिए हैं।
इसको कपड़े की सहायता से जो राख लगे हैं इसको साफ करते हैं। तो इस तरह से हमने चावल, दाल, चोखा, बाटी बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसको परोसने के लिए एक बर्तन में निकालते हैं चावल, दाल, चोखा और बाटी। यहाँ पर हम केले के पत्ते लिए हैं, इस पे चावल और दाल, बाटी, चोखा निकालते हैं खाने के लिए। यह परंपरा प्राचीन काल से चलती आ रही है और अभी तक लोग बना बना कर इस तरह से खाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा रहा हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।